मुरैना शहर के जूता व्यवसायी, जनरल स्टोर व्यवसायी और स्टेशनरी व्यवसायी सहित अन्य व्यवसायी भी जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और प्रशासन से गुहार लगाई कि 4 महीने से दुकानें बंद करके बैठे हैं, घर से ही अपना और स्टाफ का खर्चा चला रहे हैं, अब तो खाने के भी बांधे हो गए हैं। शादियों का सीजन भी पिट गया, अब ये त्योहार है तो प्रशासन ने आधा बाजार, कपड़ा और हार्डवेयर वाला मार्केट तो खुलवा दिया, लेकिन हमारी दुकानें बंद हैं, इनको भी खोला जाए। रक्षाबंधन बहन बेटियों का त्योहार होता है, क्या वो जनरल स्टोर से क्रीम, पाउडर, मेकअप, गारमेंट्स सामान नहीं लेंगी? क्या वो चप्पल, सैंडल नहीं पहनेंगी? वहीं स्टेशनरी वालों की दलील थी कि हमारा स्टॉक भरा हुआ है, जिससे पैसा भी ब्लॉक है। वहीं छात्र छात्राएं भी कॉपी किताबों के लिए परेशान होते हैं, कुछ नहीं तो घर पर तो पढ़ ही सकते हैं। इसलिए प्रशासन से हमारी विनती है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार न करते हुए सभी बाजार खोलने की अनुमति दी जाए। विदित होगी, नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन ने करीब 20 दिन पहले कर्फ्यू लगाया था। जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों रक्षाबंधन, ईद आदि को देखते हुए 25 जुलाई को शांति समिति की बैठक कर निर्णय लिया कि सोमवार 27 जुलाई से बाजार में सिर्फ कपड़ा मार्केट और हार्डवेयर की दुकानें ही खुलेंगी, ऐसा आदेश जारी किया था। इनके अलावा अन्य कोई दुकानें खोलेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगी। इनके सदस्य होंगे और हम भी चाहते हैं कि जूते की दुकानें खुलें, जिससे लेडियों को हम चप्पलें पहना पाए, उनकी भी बहुत दिन से तमन्ना है कि उनकी भी चॉइस के आइटम मिले और इन्होंने क्या है कि निर्माण कार्य की आइटम खुलवा दी है और क्या बोलते हैं मिठाई की दुकानें भी खुलनी चाहिए जल्द से जल्द और जनरल स्टोर की दुकानें भी खुलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमने भी सभी अधिकारियों की बात मानी, अभी तक 4 महीने तक टोटल लॉकडाउन रखा और अपनी जांचें भी करवाई हम लोगों ने, सभी ने अपनी टाइम टू टाइम उनकी बात मानी, 4 महीने तक टोटल लॉकडाउन रखा, 4 महीने तक घर से ही खाते रहे, सब लोग इनकी बातें मानी, हमने इनकी सबकी, बस हम लोग भी यही चाहते हैं कि शासन भी हमारी बातों को माने, समझे, हमारी मजबूरी को समझे। हमारा एक एक स्टाफ घर से खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से काम चलेगा। शासन की हम सारी बातें मान रहे हैं, हमारी शासन बिल्कुल भी बात नहीं मानने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा ये हम लोगों ने आवेदन दिया है एडीएम साहब, एसडीएम साहब को, ये इसलिए आवेदन दिया है क्या कल जो बाजार खोलने की परमिशन, जैसे हार्डवेयर वालों की, कपड़ा मार्केट वालों की जो परमिशन वगैरह दी गई, इस वक्त ईद का त्यौहार और राखी का त्यौहार दोनों ही नजदीक है और दोनों ही त्यौहार क्या कहते हैं महिलाओं से संबंधित, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है महिलाओं से संबंधित त्यौहार है, इसमें महिलाओं से संबंधित चीजों की, अब जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह है, अंडरगारमेंट्स वगैरह है, ये सब जनरल स्टोर के तहत आता है और जनरल स्टोर की ही खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। जब महिलाओं का त्यौहार में महिलाओं से संबंधित चीजों की ही दुकानें अगर नहीं खुलेंगी तो फिर उसका त्यौहार निकलने के बाद उसका परमिशन का क्या मतलब है? पिछले 4 महीने से दुकानदार वैसे ही घर में बैठा हुआ है, सबकी जरूरतें हैं, प्रशासन बाकी सबकी तो है, लेकिन जो दुकानदारों का कहीं कोई मतलब सुनने वाला है कि नहीं है, ये कहना चाहते हैं हम। और कुछ भैया, हम पुस्तक विक्रेता यूनियन संघ से हैं और हमारी समस्या ये है कि मार्च से लेके और अभी तक हमारा टोटल मार्केट बंद है। मार्च में वैसे बंद रहा, अप्रैल में सीजन थोड़ा बहुत चलता था, वो जो है कोरोना की वजह से बंद रहा, मई जून में छुट्टी रहती है वो इसलिए बंद रहा, उनका मतलब जो है शासन का दबाव भी रहा कि दुकान खुलेंगे ही नहीं, और जुलाई का सीजन था हमारा जो पूरा सामग्री इकट्ठी करके रखते हैं, जुलाई में पूरी खत्म हो गई, वो भी नहीं बिकी, मतलब हमारा पैसा ही फंसा है और जो है पब्लिक परेशानी भी हो। क्या कहना है प्रशासन का? भाई प्रशासन को आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं अभी तक नहीं हो रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।